बात गुरुग्राम की, जहां पर आईएएस अनीता यादव से मांगे गए हैं 5 करोड़। एसीबी में चल रहे मामले को सेटल करवाने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत। युवक ने खुद का नाम ऋषि बताते हुए यह पेशकश की। गुरुग्राम सेक्टर 50 पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम में आईएएस अनीता यादव से 5 करोड़ की लेन देन का यह मामला, एसीबी में चल रहे मामले को सेटल करवाने के लिए पैसे मांगे गए हैं। अनीता यादव को कहा गया कि मामला सेटल हो जाएगा। युवक ने खुद का नाम ऋषि बताते हुए यह पेशकश की है। गुरुग्राम सेक्टर 50 पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले से जुड़ी और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप भी जानते हैं जिस तरह से एसीबी में जो मामला चल रहा है उसको सेटल करवाने के लिए ये 5 करोड़ की रिश्वत की बात सामने आई है। और देखिए, फोन करने वाले का नाम ऋषि बताया जा रहा है। ऋषि ने अपना नाम खुद बताया, उसने अपना नाम बताते हुए ये पेशकश की है। फिलहाल इस मामले को पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया गया है। गुरुग्राम सेक्टर 50 पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। एसीबी में चल रहे मामले को सेटल करवाने से जुड़ा ये जो मामला है, ये जो बड़ी खबर है वो सामने आई है। और आईएएस अनीता यादव को फोन करके ये पेशकश जो है वो रखी गई थी।